માં સૌથી બેસ્ટ વાત એ હોય કે બધા કરતા નવરાત્રીમાં બેસ્ટ દેખાવ અને તમારો બેસ્ટ લુક આપે છે મેકઅપ. જી હા, હેવી ચણિયા ચોરી હોય કે લાઇટ વેઇટ ચણિયા ચોરી હોય, કેવો મેકઅપ કરો અને નવરાત્રી પહેલા ચહેરાની કેવી રીતે ધ્યાન રાખવી, આપણે આવી ગયા છે સારા મેકઅપ સ્ટુડિયોમાં જ્યાં મેકઅપ આર્ટિસ્ટ ફરી જાફરી આપણી સાથે છે. એ સિવાય મિસિસ ગુજરાત રનર અપ ગીતા આપણી સાથે છે, જે તમને નવરાત્રી પહેલા ચહેરા પર કેવું ધ્યાન આપવું અને કેવો મેકઅપ કરવો તે શીખવાડશે. ફરીન, પહેલા તો અમે એ જાણીશું કે મેકઅપ તો પછી થાય પણ નવરાત્રી પહેલા ચહેરા માટે શું ધ્યાન રાખવું? देखो, सबसे पहले मेकअप करने से पहले प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपका चेहरा अंदर से साफ़ नहीं है तो ऑब्वियसली मेकअप आपका सही नज़र नहीं आएगा. तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना है, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा एक्सफोलिएट करना है, स्क्रबिंग करना है. 4 दिन पहले ये सारी प्रिपरेशन करनी होती है और फिर आप उसके ऊपर मेकअप करिएगा. बिल्कुल फरीन, ये हम देख रहे हैं कि जीन्स के ऊपर एक नवरात्रि का लुक दिया गया है, उस पर कैसा मेकअप जाएगा? अभी आजकल के यंगस्टर्स दे डोंट लाइक टू वेयर बहुत सारी चनिया चोली या बहुत सारी जीन्स के ऊपर भी वो लोग नवरात्रि खेलते हैं. हर एक इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ नवरात्रि लुक किया जाता है, तो हमने इसीलिए उनको जो कहा है कि ये आउटफिट में हम किस तरह से मेकअप करेंगे, बहुत ही नेचुरल सा मेकअप किया जाएगा, हेयर स्टाइल भी नेचुरल सा, फिर भी आपको वो बहुत ही ट्रेंडिंग और बहुत ही ब्यूटीफुल नजर आएगा. बिल्कुल, तो स्टार्ट करें मेकअप. श्योर. तो सबसे पहले फेस क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोग थके आ रहे आते हो, ऑब्वियसली आप फेस वॉश कीजिए, ओके, या तो फिर वाइप कर लीजिए. तो पहला चेहरा ने क्लीन करवानो छे अने पछी मेकअप थी बनी जशे तमारो चेहरो अति सुंदर. आफ्टर द फेस क्लीनिंग आपको टोनर लगाना है. ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके जो ओपन पोर्स है वो क्लोज डाउन हो जाते हैं. टोनिंग लगाने के बाद में मॉइस्चराइजिंग मस्ट है. नेक्स्ट स्टेप है प्राइमर. प्राइमर आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रखता है, तो आप मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर सकते हो, नवरात्रि के लिए बेस्ट है. ये मेकअप को वाटरप्रूफ भी कर देता है और आपका चेहरे को ग्रीसी नॉन ग्रीसी कर देता है. अब आफ्टर द प्राइमर जहाँ पे भी डिसकलरेशन है आप वहाँ पे ऑरेंज, ओके, रेड ऑरेंज कैरेक्टर लगा लो. ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना है, वेट ब्यूटी ब्लेंडर. इससे आपका जो मेकअप है वो बहुत नेचुरल और लाइट स्किन फिनिश लेना है. जैसे कि आप ये टच करके देखोगे तो आपको ये कलर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब ये आपको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर देना है. सो नेक्स्ट स्टेप इज़ द बेस, ओके. तो मैं फाउंडेशन के बदले मैं ज़्यादातर प्रेफर करूँगी कि आप क्रीम फाउंडेशन यूज़ करें और बहुत ही लाइट मैनर में स्किन के अंदर ड्रैग करें, ओके. क्रीम फाउंडेशन जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. आजकल के जनरेशन को ज़्यादा मेकअप नहीं पसंद है, वो नेचुरली शाइन करता हुआ चेहरा उनको पसंद आता है. जब भी आप नवरात्रि मेकअप कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो स्किन टोन है उसके मैचिंग का फाउंडेशन यूज़ करें, अदरवाइज डिसकलर हो जाएगा और आपका जो मेकअप है वो बाद में पैची नज़र आएगा. अब हम करेंगे फेस स्ट्रक्चरिंग. बहुत इंपॉर्टेंट है खूबसूरत दिखना, ओके. बेस लगने के बाद खूबसूरती जो है वो कंटूरिंग से नज़र आता है, तो विल बी जस्ट गिविंग अ वेरी नाइस कंटूर इफेक्ट ऑन द चिक्स एंड ऑन द जॉ लाइन. तो इससे जो चेहरा है वो स्लिम और बहुत ही तराशा हुआ नज़र आता है. તો તમે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પરફેક્ટ મેકઅપ નવરાત્રીમાં કેવી રીતે થાય છે તેની રીત જોઈ રહ્યા છો. આગળ જઈએ. ફરી સબસે જ્યાદા મેકઅપમાં ધ્યાન ક્યાં રખના હોતા હૈ? सबसे ज़्यादा मेकअप में जो ध्यान देना होता है कि बेस आपका ओवर कोटेड नहीं होना चाहिए, मतलब आपको फाउंडेशन जो है वो कम से शुरू करना है, ओके. तो आप जब फाउंडेशन लो तो कम लेना और फिर उसके बाद में रीअप्लाई करिएगा. अब हम कर रहे हैं ब्लशर, ओके. तो आप जितना भी हो सके उतना आप क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करें और उसी से मेकअप करें. इसके बाद में जो है इसको वाटर स्प्रे देने वाली हूँ, ठीक है. और फिर इसको जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो मैं इस टिश्यू से निकाल दूँगी. ફરીન, એવું તો ના થાય ને કે આપણે પાણી ચહેરા ઉપર જે સ્પ્રે કર્યું છે એના કારણે મેકઅપ ઉખડે કે પછી અનફિનિશેબલ થઈ જાય? ये उसी के लिए है कि आप जो भी एक्सेस लगाए, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेकअप किया है तो जो भी एक्सेस है वो इसमें आ जाएगा, तो अब जो निकलना है वो कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है. तो इसके लिए ये किया जाता है. तो નવરાત્રી માટેની આ ટિપ્સ તમારે જરૂરથી ધ્યાન રાખવાની છે જેથી કરીને તમારો લુક એકદમ નેચરલ લાગે. તો ફરીન, આ વખતે નવરાત્રીમાં યંગસ્ટર્સને કેવો મેકઅપ પસંદ આવી રહ્યો છે? Nude, natural and very, very, very soft makeup. अगर आई मेकअप आप कर रहे हो और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो बेस्ट कलर जो आप यूज़ कर सकते हो वो है ब्राउन कलर. ब्राउन कलर जो है आप कोई भी कलरफुल आउटफिट लो या आप कोई भी यू नो नॉन कलरफुल आउटफिट लो, वो सभी पे जाता है. तो ब्राउन इज़ अ यूनिक कलर, वो आप उससे मेकअप करिएगा.
सो मैं सबसे पहले ब्राउन पीच कलर ले रही हूँ और आईज़ के ऊपर लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये वाला लुक जो है वो कोई भी कलर हो, कोई भी स्किन टोन हो, सभी पे ये बहुत अच्छा लगता है। तो स्त्री नी सुंदरता वधारे ए काजल। तो हवे नवरात्रि मा तमारे बधा आउटफिट मा काजल केवी रीते वापरवी छे अने केवी रीते करवी छे ते आपणे जोईए। ओके, तो काजल जनरली देखते आँख के नीचे लगाते हैं, मैं ये आँख के ऊपर लगाऊंगी और इसके ऊपर कलर्स क्रिएट करेंगे अपने। तो काजल को इस तरह से आँख के ऊपर लगाना है और स्मर्जिंग ब्रश से स्मर्ज कर देना है। तो काजल ऊपर तमारे वधारे कई ज नथी करवानू, जे कलर नो तमे आउटफिट पहरो छो बस ए ज कलर नी कोई एक आई शेडो तमारे त्यां मर्ज करी देवानी छे ने तमारी आंखो एकदम सुंदर थई जशे। सो नेक्स्ट स्टेप है जो आई मेकअप कंप्लीट करता है वो है आईब्रोज। सो आईब्रोज लगाने का एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रिक है, आप वाटर स्प्रे ले लें, ओके, उसको आप आई ब्रश में लेके ब्राउन आई शेडो, ओके, डिप इट इन अ ब्राउन आई शेडो और लगा लो। तो ये बहुत ही नेचुरल आपका आईब्रो फिल करने के लिए काम आ जाएगा और ये जो है फिलिंग लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। पर इन मेकअप पर केवी रीते ग्लो लावो एनी तो तमे ट्रिक बतावी दीदी, हवे कया स्टेप बाकी रहा है? बस ये जो ग्लो है उसको सेट करना है और लिपस्टिक, शी इज रेडी। और स्माइल, जब आप लोअर लिप्स लगाते हो तो स्माइल के साथ लगाएं ताकि आपका जो लिप लाइन जो नीचे का है वो स्माइल परफेक्ट बने। प्लीज स्माइल। तो मेकअप ने परफेक्ट एक तो आई शेडो बनावे अने काजल बनावे, परंतु लास्ट में छे लिपस्टिक। जी हाँ, कयो लिप शेड सौथी वधारे परफेक्ट रहेशे नवरात्रि माटे? अगर ये कलरफुल आउटफिट पहन रहे तो ऑब्वियसली इसमें सारे रंग है, तो सारे रंग जब दिखाने होते हैं तो ऑब्वियसली मैं सारे रंग को आपके सामने लगा के देखती हूँ, आप देखना ये कौन सा ब्यूटीफुल सा कलर बनता है। सो सबसे पहले मैंने ले लिया है पीच कलर, તો તમારી નવરાત્રી થવાની છે એકદમ શાઇનિંગ। પરંતુ એકદમ ગોર્જિયસ નવરાત્રી કરવી હોય તો એના માટે હેર માટે પણ થોડી મહેનત તો કરવી પડે ને? તો ફરીન હેર કે લિયે ક્યા કરેગી ઓર સબસે જ્યાદા ટ્રેન્ડિંગ મે કોન સા હે જો કમ ટાઈમ મે અચ્છા સા એક હેર લુક દે દે? અભી તો મેસી હેર સ્ટાઇલ બહોત ટ્રેન્ડિંગ હે, જૈસે કે બસ એસે બાલ લે લિયા ઓર બાંધ દિયે, બટ ઉસમે થોડે સે ટેક્સચર ઓર ઇફેક્ટ્સ દેના બહોત ઇમ્પોર્ટન્ટ હે। તો વહી ચીઝ મે આપકો બતાને વાલી હું। તો આપ ક્યા કર સકતે હો, ફિંગર, आप जब कोम करो तो फिंगर से कोम करें, ये बहुत ही इजी है, मैसी सा है और बहुत प्यारा है। और स्प्रे करके आपको फिंगर से ऐसे लाइन बनानी है। हाँ, एक पिन मैंने ऐसे लगाया और एक पिन मैंने ऐसे लगाया, तो इससे ये इनका जो मैसी हेयर है वो फ्रंट से लॉक हो चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, बाकी सारे हेयर्स लेके पोनीटेल बना लेंगे अपने। એટલે મેકઅપ તો તમે હેવી કરી લીધો, હેવી આઉટફિટ છે તમારા, ચણિયા ચોળી છે, પણ તમારે હેરમાં કંઈક સિમ્પલ કરવું છે તો આ સિમ્પલ પોનીટેલ છે એ તમે જરૂરથી એપ્લાય કરી શકો અને ખરેખર ખૂબ જ સુંદર લાગશે। તો ફરીને આ સિમ્પલ એક પોનીટેલ તો તમે કરી દીધી છે, પણ હવે એની અંદર તમે કર્લ્સ કરો છો જેથી વધારે ખૂબસૂરત લાગે। कर्ल्स तो बहुत ही बाउंसी और बहुत ही प्रिटी यंगस्टर्स को बहुत पसंद होता है, पर डिपेंड करता है आपकी पसंद, आप स्ट्रेट भी रख सकते हो और कर्ल्स भी कर सकते हो। તો ફરીને સિમ્પલ એક પોનીટેલને રીચ લુક કેવી રીતે આપી શકાય, શું કરી શકાય? નવરાત્રી હે તો ઓબ્વિયસલી જ્યુલરી તો બનતી હે, તો યે રહા કમ્પ્લીટ લુક। તો તમારી નવરાત્રીને ટ્રેન્ડે બનાવશે આ ખાસ ટ્રેન્ડી લુક। નવરાત્રીમાં કેવી રીતે તમને એક રીચ લુક આપે છે પોનીટેલ, પરંતુ આ જ પોનીટેલમાં બીજો શું કરી શકાય અગર તમારે પોનીટેલ નથી કરવી તો? ફરીન બીજો શું કરી શકાય પોનીટેલ નથી કરવી તો? તો આ બન એકદમ સિમ્પલ છે, ચાર એના પાર્ટીશન કરીને તમે બહુ જ જલ્દી આ બન બનાવી શકો છો। તો આ નવરાત્રી તો તમારી પરફેક્ટ થવાની છે, પહેલા એકદમ સરસ બ્યુટીફુલ દેખાય એવો મેકઅપ
અને તે પછી એક પરફેક્ટ પોનીટેલ અને એના પછી બન થઈ ગઈ ને તમારી નવરાત્રી સુપર હિટ।